हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि 15,000 के नीचे मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाँचवें नंबर पे आता है मी A3। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर, 4030 mAh की बैटरी, 6.08 इंच की HD+ वाली AMOLED डिस्प्ले। कीमत है 12,999 रुपये। इसके बाद आता है सैमसंग का M30S। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, 6,000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, एक्सिनोस का 9601 प्रोसेसर और 6.4 इंच FHD वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। कीमत है 13,999 रुपये। इसके बाद आता है रियलमी का 5 प्रो। इसमें आपको 6.3 इंच की FHD वाली डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर, 4035 mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है और कीमत है 14,999 रुपये। और इसके बाद आता है पोको का F1। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर मिलता है, ड्यूल कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और 4000 mAh की बड़ी बैटरी, 6.18 इंच की FHD वाली डिस्प्ले मिलती है, कीमत है 14,999 रुपये। इसके बाद आता है रेडमी का नोट 8। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T मिलता है, 6.53 इंच की FHD+ वाली डिस्प्ले है, 4500 mAh की बैटरी, 64 MP क्वाड कैमरा और कीमत है 14,999 रुपये। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।